नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एवाई लोकल न्यूज। मामला कटरा थाना क्षेत्र के बिसौथा का है, जहां धनौर निवासी अमन कुमार को बिसौथा चिमनी के पास आपसी विवाद में 6 युवकों द्वारा घेरकर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पीछे से दूसरे युवक के पहुंचने पर सभी युवक घायल अवस्था में अमन को छोड़कर कॉपी की तरफ भाग गए। युवक को कटरा PHC में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान COVID-19 के चलते घर पर ही उपचार हो रहा है। अब देखिए घायल युवक का बयान। मैं अमन कुमार, पिता आलोक कुमार सिंह, घर धनौर थाना कटरा का निवासी हूँ। मैं अपने घर से बिसौथा कौशल विकास केंद्र जा रहा था। रास्ते में बिसौथा चिमनी के नज़दीक 5-6 लड़के आया, सड़क किनारे बैठे हुए थे। जैसे ही हम उसके नज़दीक पहुंचे, सभी मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। इसी पे हम विरोध किया, इसी पर सभी पटक कर मारने लगा। तभी प्रिंस नाम का लड़का अपने कमर से डाइगर लेकर आदित्य को दिया और बोला कि गर्दन पे वार करो, जिससे ये साला मर जाएगा। मेरे चिल्लाने पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, बूढ़ हो गए, जिसे देखकर सभी लड़के कॉपी के तरफ भाग गए। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पिताजी और दादाजी को कन्हाई कुमार ने फ़ोन पर सूचना दिया और हॉस्पिटल में जाने का काफ़ी खून बहने के कारण मैं कल बयान नहीं दे सका। लिखित आवेदन दिए हैं आप? हाँ, कटा थाना में लिखित। जरा जख्म दिखलाइए तो। यही गर्दन पे हमला हुआ है, बहुत ही जिस मामले में लिखित आवेदन कटरा थाने में दिया गया है। हालांकि अभी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। यही क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। घर धनौर